होगा, ये बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मैम काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, डाइट लेनी पड़ती है, और काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होता है। आप ज़्यादा फालतू किसी से बात नहीं कर सकते, ज़्यादा मतलब ज़्यादा बुला नहीं सकते, इरिटेट बड़ा ज़्यादा इरिटेट होता है इंसान इससे। तो बॉयल्ड पे रहना, तो मीठा टोटली बंद, तो वो थोड़ा इरिटेट हो इंसान हो जाता एक बॉडी बिल्डर के पास अगर इस तरह की ट्रॉफी हो, गोल्ड मेडल हो, तो क्या ही बात है। हमारे जम्मू के अजीत सिंह जम्वाल ने ये सब करके दिखाया है। और ये मेडल जम्मू, अगर कहें जिस तरह से इस समय मिस्टर जे एन के चल रहा है, वहाँ का नहीं है, बल्कि नेशनल लेवल पर जीता है। ये जीतने के लिए इन्होंने कितनी कड़ी मशक्क़त की है। हम लोग आजकल ऐसे खाना खाना पसंद करते हैं जिस जो काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो, बाहर का खाना, जंक फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अजीत सिंह कितना ये खाना पसंद करते हैं, कितना नहीं, ये जानेंगे, बल्कि साथ साथ में ये दोनों चीज़ें लाने के लिए कितनी मेहनत की है, अब ये भी जानेंगे। मिस्टर इंडिया ये 2 बार ऑलरेडी खेल चुके हैं, जिसमें टॉप 10, टॉप 7 आ चुके हैं, बट दोबारा सोच रहे हैं कि मिस्टर इंडिया का टैग अपने नाम के आगे लगवा कर ही रहूंगा। चलिए बातचीत कर लेते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत मुबारक है। थैंक यू मैम। किस तरह से ये चल रहा है, वो ट्रॉफी, जो ट्रॉफी शायद सबका सपना होगा, आज आपके हाथ में, और एक ऐसा झंडे वाला, अगर कहे झंडा, आपके गले में है, किस तरह से लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मेरा काफ़ी सा ड्रीम था कि मैं गोल्ड लूँ गोल्ड लूँ। हर बारी जाता था, 2 बारी गया, सिल्वर आया, सेकंड प्लेस, तो सोचता था कि क्या कमी रह गई है मेरे में। तो हर बारी चंडीगढ़ में, 2 बारी चंडीगढ़ में गया सेकंड प्लेस, फिर दिल्ली गया सेकंड प्लेस, तो कुछ ना कुछ तो कमी थी ना, कमी थी मेरे में कि मैं उस चीज़ को पूरा करूँगा, चाहे वो जो मर्जी गोल्ड लाना ही लाना मेरे को। तो बस उसी की तरह से मैं बस प्रिपेयर हुआ, करता रहा करता रहा करता रहा। तो अपने आप को मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट कर दी थी मैंने, तो आज ये कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक बॉडी बिल्डर को, एक ऐसी बॉडी प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले अगर अपना कोई एक बाइसेप या कुछ दिखा दे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ये बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मैम काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, डाइट लेनी पड़ती है, और काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होता है। आप ज़्यादा फालतू किसी से बात नहीं कर सकते, ज़्यादा मतलब ज़्यादा बुला नहीं सकते, इरिटेट बड़ा ज़्यादा इरिटेट होता है इंसान इससे। तो बॉयल्ड पे रहना, तो मीठा टोटली बंद, तो वो थोड़ा इरिटेट हो इंसान हो जाता है। अच्छा, मीठा और रोटली आपने बंद कर दिया, पर मिठाई के शौकीन नहीं है? हाँ काफ़ी ज़्यादा हूँ, फिर मन नहीं करता कि करता सामने है मीठा मन पड़ा हो, कुछ आए पाने, पर मैं क्या करूँ यार, मीठा तो खा ही नहीं सकता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब ये हाथ में गोल्ड लेकर आप मिठाई कितनी खा लोगे? मिठाई तो काफ़ी ज़्यादा खाई है, कल से मैंने आधा डब्बा खा लिया। आप लगातार, अब मैंने बात शुरुआत की थी मिस्टर इंडिया की, मिस्टर इंडिया में आप टॉप 10 में भी रहे, टॉप 7 में भी रहे, ये कैसी जर्नी, जो जर्नी है वो आपकी रही? मैं वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन, टॉप कंपटीशन है वहाँ पे, पूरा ओवरऑल इंडिया आया होता है काफ़ी ज़्यादा। तो उसमें क्या होता है, 65 kg मेरा वेट है, तो मैं अपना 61 वेट करके जाता हूँ। 4 किलो का मसल मास उनका होता है, तो 4 किलो का बड़ा फर्क पड़ता है उस चीज़ का। तो इस बारी मैं 60 kg में जाऊँगा, तो आई होप कि मैं गोल्ड लेके आऊँ अपने स्टेट के लिए। सबसे पहले बात, अब हमने मिस्टर इंडिया की भी बात की, बट हमने इसकी बात नहीं की जिसमें आपने ये सब जीता, यानी कि लखनऊ में। लखनऊ की कैसी आपकी एक जर्नी रही, किस तरह से आपने सोचा कि पहले आज जाता हूँ, अब इस बार गोल्ड लेके आऊँगा, ये कैसे सोचा? बस मैम एक अपनी फॉर्म देखी, जब एक दिन रह गया था लास्ट दिन रात को, तो उस टाइम क्या था, नमक टोटली बंद, वाटर बिल्कुल बंद कर दिया था। तो देखा वहाँ पे लड़के काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, 48 पार्टिसिपेंट थे मेरी, तो वेइंग हो गई, फिर दूसरे दिन कंपटीशन स्टार्ट हो गया, तो लाइनअप हो गई। जैसे लाइनअप हुई तो मैंने देखे लड़के पार्टिसिपेंट काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन, मेरे से भी हुश थे, तो मेरे दिमाग में यही था, नहीं अजीत गोल्ड लाना है तो लाना है, बस दिमाग में यही था कि गोल्ड लाना है लाना है। वहाँ जाके जब मैं स्टेज पे उतरा तो बस पोज किया, तो उन्होंने मेरे को साइड कर दिया, तो मेरे को लगा कि मेरे को बाहर निकाल दिया, मेरे को थोड़ा ऐसे हो गया कि क्या हो गया मेरे साथ। तो बस फिर वो जब मेरे को साइड में कर दिया थोड़ा ऐसा लगा, तो उसके बाद देखा कंपेरिजन, 4 का कंपेरिजन किया, मेरा कंपेरिजन किया, तो लास्ट में गोल्ड आ गया। सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक बॉडी को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। आपको अपनी इस बॉडी को मेंटेन करने के लिए पीछे कितना समय लगा, कितनी मेहनत लगी, और कितने समय में आपने इस बॉडी को इस तरह से जो है मोल्ड करके दिखा दिया? मैम मेरे को ये 3 मंथ से कर रहा हूँ मैं स्टार्ट, 3 मंथ से स्टार्ट की थी, तो
तो मैंने टोटली बाहर का टोटली घर का खाना भी बंद कर दिया था, टोटली एग चिकन, ये एग बॉइल्ड, तो चिकन ब्रोकली, बस यही चीज़ों पे मैं कर रहा था, बस बाकी कुछ नहीं खा रहा, सप्लीमेंट वगैरह मल्टीविटामिन बस यही सब लेता था, बाकी बाहर का टोटली ही बंद कर दिया था। मैंने शुरुआती तौर पे बात की थी अजीत सिंह जी को बाहर का खाने में क्या पसंद है, पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी। काफ़ी ज़्यादा पसंद है पिज़्ज़ा बर्गर तो ये चीज़ें। पर यहाँ पे तो बात ब्रोकली की हो रही है, यहाँ पर बात बॉइल्ड एग की हो रही है, यहाँ पर बात, फिर बुरा नहीं लगता कि यार सारे तो पूरा परिवार चीट मिल भी तो करनी जरूरी है, आप बॉडी को हर एक चीज चाहिए ना, अब बॉडी को एक जैसा तो नहीं रख सकते ना हम, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना बॉडी को भी, तो यही चीज होती है, हम पूरे साल एक जैसी बॉडी नहीं रख सकते, चेंज होती है, 6 मंथ कुछ होगी, 6 मंथ के बाद कुछ होगी, हम पूरी पूरे साल मेंटेन नहीं कर सकते एक बॉडी को। जिस तरह से ये हमेशा ही होता है क्योंकि हमारे बॉडी में सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि हम बहुत कुछ इनटेक कर रहे होते हैं, अच्छे तरह से नमक नहीं ले रहे होते हैं, पानी हमारा बहुत ज़्यादा होता है, फैमिली वाले उस समय कितना सपोर्ट कर पाते हैं, क्योंकि कई लोगों को समझ आएगा कि आपके समय माइंड में क्या चल रहा है, आपकी बॉडी में समय क्या चल रहा है, पर कई लोगों को समझ नहीं आता उस समय बॉडी, परिवार किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। काफ़ी ज़्यादा होता है इरिटेट तो मेरे, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे समझती है और मुझे पता है कि मैं अगर मैं इरिटेट होता हूँ तो घर वाले मुझे समझते हैं, मम्मा भी समझते हैं, मुझे फालतू बोलते नहीं कुछ, उनको पता है, और बस फैमिली का सबसे ज़्यादा रोल है इसमें कि अगर आपकी फैमिली अंडरस्टैंड करती है आपको तो आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो, तो फैमिली के बिना बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते आप। ये तो आ गई फैमिली की बात, अब बात आती है वो कि भाई कोई समझाने वाला भी होना चाहिए, अगर कोई समझाएगा नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा कैसे, अब वो समझाने वाला कौन था, कितनी बार किसने, मतलब गलत जा रहे हो, कुछ गलत खा रहे हो, तो भाई गलत खा रहे हो सही चल जाओ, ये कब समझाने वाला। ये मेरे कोच साहब है प्रदीप वर्मा, जो मेरे को गाइड करते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है मेरे को मैं उनको कॉल करता हूँ, लुधियाने में रहते हैं, उनको कॉल करता हूँ कि मेरे को ये हो रहा है ये हो रहे हैं, तो वो मेरे को हर एक गुड लाइन देते हैं, अजीत ऐसे कर ये कर, अगर मैं उनको रात को 12 बजे भी कॉल करता हूँ, मुझे 12 बजे प्रॉब्लम होती है, कुछ भी दिक्कत होती है तो मैं उनको कॉल करता हूँ, तो वो मुझे आगे बताते हैं अजीत ऐसे कर ये कर ऑरेंज ले ऐसा, तो वही सब गाइडनेस वही करते हैं मेरे को। इस समय काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, मिस्टर जैन के एक पहले हो चुका है, अब दोबारा होने को है, और काफ़ी अब इस समय आप रोल मॉडल बन जाएंगे सभी के लिए, किस तरह की टिप्स जो हैं वो सभी को देना चाहेंगे जो इस समय मिस्टर इंडिया बनना चाहते हो। मैं सबको यही बोलूँगा कि डाइट अच्छी लो, अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखो, तो बस, और वर्कआउट अच्छा करो, तो अगर जिसको नहीं समझ आती वो आ सकता है मेरे पास ट्रेनिंग लेने, तो मैं उसको अच्छी गुड लाइन दे सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं इनको ये कहूँ कि मिस्टर इंडिया है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी जीत चुके हैं, पर अभी भी मन नहीं भरा है और मिस्टर इंडिया में भी गोल्ड मेडल लाकर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना चाहते हैं। ये है हमारे जम्मू का युवा, ये है जब जम्मू कश्मीर का युवा अगर कुछ ठान ले तो क्या क्या नहीं कर सकता, ये एक एग्जाम्पल है। अपने जम्मू के युवा को प्रमोट कीजिए, देखिए फिर वो कहाँ से कहाँ नहीं पहुँचते। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे अभिषेक जी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।